डबिंग तो वो खुद कर लेगा ना काशिफ, ब्लू दे दो उसमें करो। ठहरो फिर अब मैं जाके काशिफ से कहूंगी ये मैंने बेस शेड है, ये बेस शेड है, ये दोनों बेस और ये हमारा स्टीक का शेड है, और ग्रीन जो है वो तुम कह रही हो आएगा ही नहीं सही, और चंक्स में से हम इन दोनों में से कोई तीनों में से ले लेंगे, है ना? ठीक हो गया। हाँ कम के बाद जो चंक्स है वो मैं इनका उसी में कर रही हूँ, जो है ना स्ट्रीक्स उसी में, मैंने कहा चलो यार मेरा डाई पड़ा हुआ इतने कोई नहीं, अगर कलर भी कर लो ना, कर लिया मैंने कलर ले लिया, बाकी जो कलर का सेक्शन ले लिया तो इनमें से वो ये मैंने ले लिया, वो कह रही है ये मैं करूँगी नीचे का और ये स्टिक पे आएगा बेस कलर ही होगा। ये बेसिकली स्टिक शेड होते हैं एश ग्रीन शेड, ठीक है, हम एश ग्रीन में ही जाएंगे, थोड़ा सा इसमें ग्रीन भी आएगा, ठीक है। हाँ और वो मोटे वाला भी नहीं हमने करना, बारीक बारीक की स्टिक वो ज़्यादा लेयर्स नहीं हमने करनी है, हमने बारीक वाली करनी। अच्छा इधर है ना सरमा तुम्हारी चीज़ें, ये सारे नीचे दूसरे पड़े हुए हैं तुम्हारे रैक पे आ रहे हैं। वो वीडियो चली गई, वो उसकी है मावरा की नहीं चली है, मेरे पास सही भी है नहीं चली, नहीं मेरे नहीं चली, वो आगे से कोई और टिकटॉक आ रहा है, वो आगे से कोई और टिकटॉक आ रहा है। तो जी ये नेक्स्ट डे है, मैं आ गई हूँ इस वक्त पार्लर और ये मेरे बालों पे फर्स्ट कलर अप्लाई हो रहा है जिसको हेयर कट वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लीच कह लें या इसको क्या कहते हैं, कट डाउन कलर का, हाँ कट डाउन। देखे काशिफ को याद है मेरे जेन से निकल गया, दरअसल मैं गई हूँ बहुत ज़्यादा थक, सारा दिन चेयर पे बैठ बैठ पे कुछ इतनी देर बैठना नहीं होता, तो बस इसलिए ना मेरी दिमाग गया वो हिल गया बैठ पे, हिल गया और तुम्हें याद ही नहीं और मुझे याद ही नहीं कि ये कट डाउन है। हाँ तो देखें मेरे मियाँ को याद है कि ये कट डाउन है, तो ये हो रहा है जी कट डाउन। इस पे मेरे नीले पीले काले जो भी मेरे अलबला रंग थे ना वो सारे जाएंगे उत्तर और आ जाएगी एक नई लुक, कोई बात हो रही होगी ऐसी कुछ ऐसा कह रही होगी वो, मतलब साथ साथ तुम लोग गपशप भी कर रहे हो। हाँ सारी बात है, वरना इतने घंटे फिर इंसान क्या करे, फिर गपशप तो जरूरी है ना, गपशप के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो ये मैं करवा रही हूँ इस वक्त अपना कट डाउन, और ये रही मैं शीशे में इतनी मोटी ताजी। तुमने ये कैदियों वाला ट्राउजर पहना हुआ है, जापान में ना जो कैदी नहीं होते जेल में उनकी इस तरह की, मैंने एक मूवी में देखा था उन्होंने इस किस्म का यूनिफॉर्म पहना हुआ। ओके जी तो ये कट डाउन के बाद रिजल्ट आया, ये अभी क्रीम लगी हुई है मेरे बालों में कट डाउन की, लेकिन इसमें जो शेड आया ना हमें इससे भी डार्क चाहिए था, ये जो ऑरेंज ऑरेंज शेड आ रहा है ना मैंने उसे कहा था मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसलिए वो इससे भी लाइट करेगी ताकि मुझे ये वो ना रहे कंप्लेन के मेरे बालों में ये कलर आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वो नहीं करवाने थे पीले पीले से, वो मुझे लगता है जैसे मेरे मुंह पे सूट नहीं करते, तो इसलिए मैंने उससे पहले ही ये बात क्लियर कट बता दी थी कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। और यहाँ जो मैं बड़े ध्यान से देख रही हूँ वो मेरा एक डेड बाल था, उसको मैं देख रही थी उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। तो ये है जी आफ्टर कट डाउन, ये पहला जो कलर आया था कट डाउन के बाद ये वो था, तो मैं वो दिखा रही हूं यहां पे तुम वीडियो भी वर्टिकल बना रही हो, मतलब कि तुमने कैमरा सीधा कर लिया। चलो कोई नहीं, तो तुम्हें कैसा लगा पहला जो कलर निकला है ये वाला, इस कलर में तुम्हें कैसा लगा रहा? अच्छा था। साइमा मुझे कह रही थी बाज लोग तो जब ये कलर आ जाता है ना वो यहीं छुड़वा देते हैं, हां कि भी हम इसी के साथ हैप्पी हैं, पैसे क्या बचा लेंगे, 4-5 हज़ार बच जाएगा आपका। तो वो पूरी अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर वो पूरा बाउंड होते हैं आपके लिए। हाँ तो पैसा कितना बच जाएगा, 5-4 हज़ार बच जाएगा मेरे ख्याल से। निदान मेरे ख्याल से दो दिन, कितने दिन पहले तुमने इससे टाइम लिया था?
मैं 2-3 दिन पहले, एक दिन मैं फेशियल कराने गई थी, अगले दिन मेरी इसकी डिस्कशन हुई थी उससे, अगले दिन मैं चले गई थी करवाने के लिए। अच्छा, तो वो ये यहाँ पे हो रहे हैं स्टिक, इसमें कलर वाली थी, मेरा कल काशिप ने वो आगे पीछे कर दिया वीडियो, क्योंकि स्टिक से पहले कलर अप्लाई हुआ है। अच्छा, हाँ फिर स्टिक आएगी, तो इतनी जल्दी अगर मेरे ये हो जाते तो मैं 1-7 तक क्या कर रही थी। देखे जरा काशिप ने वीडियो में इतना जल्दी जल्दी कर दिया। ये एक वीडियो मैं देख रही थी काफी दिन पहले, मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो उसमें एक भाई ने कहा कि खाना तो 2 मिनट में पक जाता है, तो औरतें सारा दिन लटका छोड़ दिया और कहती है जब खावा जाते हैं कि देखो सारा दिन चेसी है हांडी पकाई है, तो कहता है 2 मिनट नहीं लगे। तो वो एक वीडियो आती है उसमें सारी बातें फास्ट कर करके आप देख लेते हैं, तो ये जो काशिप ने किया मेरी वीडियो के साथ इसमें भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, फास्ट के घंटों लग गए हैं और इन्होंने 1 मिनट में स्टिक पे ले है। मैंने जो है ना इसको सॉर्ट आउट किया है टाइम के हिसाब से कि टाइम बाय टाइम। नहीं, मुझे लगता है आपने एक वीडियो जो है ना कलर वाली, वो या तो आपने कहीं आगे पीछे कर दिया। फाइनली ये जो आप मेरे बालों का कलर देख रहे हैं ना, इस टाइम नीचे वाले बाल, ऊपर वाले फॉल वाले नहीं, जो नीचे बाल आ रहे हैं, वो डाई के बाद वो शेड आ गया था मेरे बालों में। सही सही। तो ये आशा वो पिक ले रही है, ये डाई के बाद का कलर है मेरे बालों में, फिर उन्होंने फॉल लगाई है ये सारी, तो ये फॉल जो है ये ऊपर वाले बालों की लगी हुई है, नीचे वाले जो है वो उतर भी गया था काफी का, बड़े घंटे लगे हैं आज, इतनी देर लग लग के। फैशन करना कोई आसान काम है नहीं, बहुत मुश्किल। हाँ ये देखे, वो बेचारी खुद भी थक गई, मुझे भी भूख लग गई, फिर उनके घर से खाना खाना आया, तो फिर उन्होंने खाना भी खाया, बीच में हम एक चुटकी समोसों की भी लगा चुके थे। अच्छा, 2 दफा हमने चाय भी पी ली, मैंने पैनाडोल भी खा ली, आप हिसाब लगा लो मैं इतना थक गई थी बैठ बैठ के। इतना स्टैमिना भी जो है ना वो सिर्फ खवातीन में ही होता है, बंदों में नहीं होता, कि वो इतनी देर बैठ के जो है वो अपना काम करवा रहे हैं। शायद लोग भी होते होंगे, लड़के भी होते होंगे, तो लड़कों का मुझे लगता है इतना लंबा का काम होगा। पर यार आजकल ये जो टिकटॉक और इधर उधर जो लोग हैं, ये बहुत जो है वो इनका खेखन जो है ना औरतों से भी ज्यादा है। हाँ, अब तो लड़के भी स्टिक्स करवाते हैं, और ये हो रहा है जी ड्राई हेयर ड्राई, क्योंकि बाल वॉश हुए तो सासर जो है वो ड्राई का काम हो रहा होता है, क्योंकि बाल धुलेंगे ड्राई होंगे तो फिर नेक्स्ट कलर अप्लाई होता है इस पे। तो मैं बहुत हैप्पी थी कि तुमने बहुत मेहनत की वीडियो बनाई है, वैसे मैं इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था कि तुम इतनी मेहनत वो वीडियो बना लोगी, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा अच्छी रिकॉर्डिंग करी। थैंक यू नवाजिश, बड़ा अच्छा लगता है जब आपको कोई सपोर्ट कर दे, तारीफ कर दे आपकी। तो मैंने तुम्हारी को कम तारीफ तो नहीं की जब से तुम आई हो पहले। आप देखिए मेरे मियाँ ने पीछे एक फोन भी किया मुझे कि मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, खाना मैं बना मैंने कुछ नहीं खाया था, खाना पड़ा हुआ था लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं, इन्होंने वैसे भी नहीं खाया और चाय भी नहीं पी सारा दिन, तो मैंने कहा आज मैं आई हूँ तो दूध वैसे ही पड़ा है, चाय भी नहीं बनी, तो मैंने कहा कम अज कम आप चाय पी लेते। ये हो गया जी ड्राई, वो मेरे बाल जो गीले थे वो दोबारा से सुखा रही थी और अब लगेगा दोबारा कलर। कलर ही लगेगा बस। तो यहाँ पे हमारी ये वाली वीडियो एंड हो जाएगी, हमने ये इतनी ही रिकॉर्ड की है, लाजमी बात है, इससे ज्यादा क्या रिकॉर्ड हो सकती है। तो आगे चलते हैं बाकी निदा की और हमारी जो रूटीन है वो देखते हैं। अच्छा जी, ये बनाया हुआ मैंने शाशलिक, ये बनाई हुई है वाइट कढ़ाई, ये काशिप का दिल चाह रहा था, ये मेहर का दिल चाह रहा था, और ये बनाए हुए मैंने राइस। ओके जी, तो पार्लर से वापस आने के बाद मैंने बनाया खाना, मैंने दोपहर में भी खाना बनाया था आज, तब मैंने चप्पल कबाब बनाए थे और राइस बनाए थे,
और आज हम सबका मूड था तरह तरह की चीज़ें खाने का, तो मेहर की फरमाइश पे मैंने बनाया शाशलिक, काशिप की फरमाइश पे बनाया चिकन कढ़ाई। और मैं आपको दिखाऊँ मेहर, हेलो मेहर, क्या हाल है मेहरू? फिर कैसा लग रहा है आपको आज अपने बाल इस तरह देख के? अच्छा लग रहे हैं। दिखाओ जरा सही करके। आज मैं पार्लर गई थी तो ये भी मेरे साथ गई हुई थी, फिर इसने कहा मैंने अपने बाल जो है ना स्ट्रेट करवाने हैं, तो फिर इसके मैंने आज पार्लर से जो है ना वो बाल स्ट्रेट करवाए। तो अच्छी नई लुक किसको नहीं अच्छी लगती, सबको लगती है। वो तब से इतनी हैप्पी है कि मेरे बाल इतने प्यारे लग रहे हैं। इसके बाल जरा कर ली हैं। आपने पिछली कई वीडियोस में देखा होगा। और ये देखे एक रोंदू बच्चा, क्या हुआ है? क्या नाम है? खाना खाना। तो खाओ बेटे। मैंने ये नहीं ना खाना, मैंने वो चीज खानी है। क्या? वो जो वाइट जूस है बनी है, वाइट कढ़ाई। चलो फिर नान ले आओ अपने लिए। बाहर जाना है। ये देखे जरा इसलिए इसके नखरे ही चेक करे। तो चलें जी, खाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ वाइट चिकन कढ़ाई भी और नान। तुमने कितने डांस किए हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो मैं आ गई हूँ घर वापस पार्लर से, और ये मेरे फाइनल हेयर लुक है। अभी इस वक्त इतनी लाइट नहीं है कमरे में, तो इसलिए इतना फील नहीं आ रहा। फिर तो बहुत प्यारी मेरी स्टिकिंग हुई है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और पीछे काशिम नमाज पढ़ रहे हैं, तो मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ हीटर के पास, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सारा दिन पार्लर में मेरा बहुत ही जो है ना वो सारा दिन बिजी कह लें, बिजी क्या था, खैर बैठी मैं फारिग थी। हेयर का काम करवाने में मैं थक बहुत गई थी। कोई 5-6 दफ़ा तो मेरा हेयर वॉश हुआ। घर से भी मैं हेयर वॉश करके गई थी। फिर उसके बाद जो है ना वहाँ जाके भी मेरा बहुत ज़्यादा, अभी मैंने वहीं मेरी पार्लर वाली जो थी ब्यूटिशन वो बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे जो है वो एक पैनाडोल भी मैंने उनसे ली। 2-3 दफ़ा मैंने चाय बनवाई, तो खाना भी मुझे उन्होंने खिलाया कि आप थके नहीं। तो फिर भी मैं 1 बजे की गई जो है ना घर, 7 बजे आई। तो वीडियो बहुत थोड़ी थोड़ी है जो बनाई हुई है, क्योंकि मेरा हेयर का काम था, तो फिर उसमें जो है ना बेटा नीचे करो ना, क्या बदतमीजी है। ये मेरे हेयर की फाइनल लुक है। और ये जो मैंने स्वेटर पहना हुआ है ना, ये आउटफिटर का स्वेटर है। जो मैंने आज आउटफिट पहना है वो मैं अपनी तस्वीर लगा दूंगी, आप उसमें देख लेना। अभी मैं गई हुई थी क्रीम ब्लॉक काशिप के साथ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्रीम ब्लॉक से क्या खरीदा। तो चले देख लेते हैं। तो मैं पहन के गई हुई थी तैयारी लग रही है वैसे। ये मैंने टॉप खरीदा है कूगर से, कूगर से ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये पैंट के साथ भी आप पेयर अप कर सकते हैं, और ट्राउजर के साथ भी कर सकते हैं। ट्राउजर के पैंट के साथ जी, जो ऑब्वियसली है कि इस वक्त मैं घूम गई, मतलब आप इसको टाइट्स पजामा पैंट खरीदी थी रियलिटी से, वो सी ग्रीन सी थी और उसमें ना ऐसे लाइनिंग लाइनिंग थी। तो ये मुझे कमांडो स्टाइल कलर जो है ना वो बहुत अच्छा लगा, कमांडो स्टाइल तो कलर मुझे प्यार लगा। और अब आते हैं सबसे मेन कोर्स पे। मेन कोर्स पे पहले जैसे ये स्टार्टर है। अच्छा वो स्टार्टर ये मेन कोर्स।
को ये वो कुकर का है अपर, मतलब हमने कुकर से ही लिया जो भी लिया। हाँ, इसके अलावा कहीं जा नहीं सके, टाइम बहुत हो गया, बंद हो गई थी, हम घर से ही तो 9 बजे गए क्योंकि पहले मैं गई थी पार्लर, पार्लर से आई हूँ तो मैंने बच्चों को फटाफट खाना भी है। ये जीन्स है, ये काशिप की जीन्स है। बस एक हमने ये वाइट शर्ट ली है, एक वाइट शर्ट हो और एक ब्लैक शर्ट हो तो ये आप किसी भी चीज के साथ जो है ना पेयर अप कर सकते हैं। मैंने बेसिकली ये ली इसीलिए कि मैं नीचे अगर वाइट शर्ट पहन लेता हूँ फुल बाजू, ठीक है, फुल स्लीव जो है, तो साथ में ऊपर वो अपर पहन सकता हूँ। इसी तरह ये ग्रे भी ऐसे ही है, ये वी शेप, वी शेप में आप कहीं पे भी जो है किसी भी चीज पे, शॉर्ट किसी भी स्वेटर के नीचे, जैकेट के नीचे, वैसे ही ट्राउजर के साथ पहन सकते हैं इसको आप। ये मल्टी फंक्शन है, ये हर जगह जो है वो आराम से चलेगा। तो चले जी, ये तो थी मेरी शॉपिंग जो मैंने आपको दिखाई। और आपने बताना है कि निदा के बाल कैसे लग रहे हैं, निदा कैसी लग रही है, निदा का गेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली मैं चाह रहा था कि कुछ जो है वो चेंज हो, और कुछ चेंज ऐसा हो कि वो मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट हो, तो निदा ने माशाल्लाह अच्छा चेंज जो है वो आज दिखा दिया है माशाल्लाह। मैं निदा से पूछ रहा था रस्ते में, मैं रस्ते में क्या इतने पैसे, अच्छा मैं रस्ते में, मैं रस्ते में क्या पूछ रहा था तुम्हें कि हाँ हाँ कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूछ रहा था कि निधा तुम्हें कहीं, तुम्हें कहीं मेरी नजर तो नहीं लग जाए। हाँ, हाँ। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, आप कौन से जेलस हो देख रहे हैं। तो फिर बस खाना मैंने आज दाल बना के मैं देखती हूँ, कल मैंने वाइट कढ़ाई वगैरह बनाई हुई थी, वो भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगी। तो इस वीडियो को फिर खत्म करते हैं, काफी वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। अभी भी मैं आती बच्चों के लिए केक लाई हूं, मैं आपको केक दिखाती हूं। हां केक दिखाओ यार, केक दिखाओ, केक दिखाओ, केक केक केक। ये एक नई नई बेकरी खुली है जी यहां पे मालवा के नाम से, ठीक है। तो ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा फेवरेट केक है, सॉरी। तो हमने ये तकरीबन दूसरी दफा खरीदा, मेरे ख्याल से दूसरी दफा लिया हमने, तो वो पहली दफा खाने के बाद मतलब वो इतना अच्छा लगा था कि हमारा आज दिल चाह रहा था दूसरी दफ़ा लेने के लिए, और हमने ले लिया। वाओ, ये देखें जी फुल जो है ना, वो पहला आपने देखा होगा, ये ऐसे ही मेरी एनिवर्सरी वाला जो केक था ना, वो अखरोट और बादाम है ऊपर जो है, वो जबरदस्त किस्म की जो है ना वो टॉपिंग हुई है, ठीक है। काजू की तरह काजू भी हैं, काजू की भी हैं। और ये देखें कैसे देख रहे हैं ये लोग, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। दाऊद जो है वो टूट पड़ा है केक के ऊपर, और उसकी मामा भी टूट पड़ी है। तो ये जनाब आज का दिन हम ख़त्म करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, आपसे फिर अगले दिन जो है वो ज़रूर बातचीत होगी। निदा एंड करें, जी एक मिनट जी। या तो वीडियो को एंड करने जा रहे हैं, निदा बोलेंगी। निदा हाँ, तो जैसे कि आपको पता है कि आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में याद रखें, कमेंट भी करना है, कमेंट भी करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारी पिछली वीडियोस ऊपर जो है वो आई के बटन को क्लिक करके चेक किया करें, हमारी बाकी वीडियो जो इससे रिलेटेड है वो हम ऐड करते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट्स जो है वीडियो पब्लिश होने से पहले चाहिए होती हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम फॉलो करें, सेम जो है वो यूज़र नेम है हमारा, निदा काशी ब्लॉग के नाम से इंस्टाग्राम भी है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा अपनी फैमिली को, यानी कि हमें, और आप हमारी फैमिली, हम आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अस्सलामुअलैकुम।